चलिए बनाते हैं आज मसाला मैगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 पैकेट मैगी को बॉईल होने रखा है। ये मैगी बॉईल हो रही है जब तक ये मैंने साइड वाले गैस पे रखी है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डालूँगी अब मैं थोड़ा सा तेल। और अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्याज जो है इसे काट लिया है, इसे भी डालूँगी। और प्याज को जो है हम फ्राई कर लेंगे। तो प्याज जब तक ये फ्राई हो रही है तब तक ये हम मिर्च और टमाटर को भी काट के रख लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, यानी कि झटपट से हमारी ये मसाला मैगी बन के तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 हरी मिर्च को जो है मैं बारीक बारीक काट के डालूंगी, और जब तक ये मिर्च फ्राई हो रही है तब तक के चलिए हम टमाटर काट लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटे से टमाटर को मैंने जो है बारीक बारीक काट लिया है। तो अब बारी आती है टमाटर डालने की। तो टमाटर डाला मैंने, और टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए इसे नमक डालना ज़रूरी है। तो चलिए डाल लेते हैं नमक। तो लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया नमक, और जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं। और अब हम इसमें डालते हैं मटर। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मुट्ठी मटर डाला है, मुझे मटर ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है। तो जब तक ये मटर फ्राई हो रही है टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे कंटिन्यूस चलाते हुए टमाटर को सॉफ्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और मटर भी हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो इसके बाद अब हम इसमें डालते हैं मैगी मसाला। तो 2 मैगी था तो उस हिसाब से मैं इसमें 2 पैकेट मैगी मसाला डाल रही हूँ। मसाला डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालते हैं यहाँ पे कुछ सॉसेस। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ, और अब डालूँगी मैं इसमें विनेगर। विनेगर डाला हमने, और चलिए अब डालते हैं हम इसमें पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस। तो ये नॉर का पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है तो इसे डालूँगी, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और साइड में हमारी मैगी भी जो है बॉईल हो चुकी है तो इसका पानी निकाल लेंगे, और इसे डालेंगे हम इस मसाले के अंदर और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए तैयार हो गई है हमारी मसाला मैगी। तो आज लंच में मैंने खाना नहीं बनाया था तो मैंने यही खाने का प्लान किया। एक्चुअली मैं इसमें अंडा डालने वाली थी लेकिन मुझे ये ऐसा ही बहुत टेस्टी लग रहा था, यम्मी, तो मैंने सोचा कि अंडा क्यों मैं डालूँ जब ये इतनी टेस्टी बन गई है। तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी ये मसाला मैगी बन के तैयार हुई थी। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और एक बार इस तरीके से मसाला मैगी बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगी।